प्यारे भैया बहनों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाच्य का अध्ययन करेंगे। वाच्य व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वाच्य की परिभाषा है कि क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं, क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि उसमें किसकी प्रधानता है। कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। इसी कारण वाच्य के तीन भेद किए गए हैं। पहला है कर्तरी वाच्य। इसकी परिभाषा है जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार होती है। कर्तरी वाच्य की परिभाषा है कि जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार होती है उसे कर्तरी वाच्य कहते हैं। जैसे राम भात खाया या मैंने रोटी खाई। यहाँ पर राम भात खाया, इस वाक्य में खाया क्रिया राम के अनुसार पुलिंग में हुई है। उसी प्रकार मैंने रोटी खाई, यहां मैं के अनुसार वाक्य बदला है, इसलिए ये कर्तरी वाच्य के उदाहरण हैं। दूसरा है कर्म वाच्य। जिस वाक्य में क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार होती है। जिस वाच्य में क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार होती है उसे कर्म वाच्य कहते हैं। जैसे मेरे द्वारा भात खाया गया, यहां भात पुल्लिंग है इसीलिए खाया गया। मेरे द्वारा रोटी खाई गई, यहां रोटी कर्म है और स्त्रीलिंग है इसलिए खाई गई हुआ। अब दो चार उदाहरणों के द्वारा मैं कर्तृवाच से कर्मवाच में बदलने के उदाहरण देने जा रहा हूं। जैसे राम भात खाता है तो इसका कर्तरी कर्मवाच्य में होगा राम के द्वारा भात खाया जाता है। राम पुस्तक पढ़ता है तो इसका कर्मवाच्य में होगा राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। दूसरा उदाहरण है कि किसान फसल बेच रहा है, इसको कर्मवाच्य में हम लोग बदलेंगे तो किसान के द्वारा फसल बेची जा रही है। एक चीज का ध्यान रखना है कि कर्म पर कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए हमें कर्म पर ध्यान देना होता है। इसके साथ यह भी देखना होता है कि जो वाक्य दिया गया है वह किस काल में है। अगर ताती है तो कर्म वाक्य में भी ताती ही होगा, अगर रहा रही है तो वहां भी रहा रही होगा, अगर थाती है तो यहां भी थाती ही होगा, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग भाव वाक्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो क्रिया जब
ना तो कर्ता के अनुसार होती है और ना कर्म के अनुसार होती है, बल्कि उसके अंदर जो छिपा हुआ भाव होता है उसके अनुसार जब होती है तो उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे मुझसे चला नहीं जाता है, उससे खाया नहीं जाता है, वह रो नहीं सकता, इसका हम रहेंगे उससे रोया नहीं जा सकता, श्याम रो रहा है तो श्याम से रोया जा रहा है, श्याम रोता था तो इसका बनेगा श्याम से रोया जाता था। तो इस प्रकार से ये भाववाच्य के उदाहरण हुए। अब हम आपको कुछ प्रश्न देते हैं जिसका आपको उत्तर देना है, लेकिन सबसे पहले आपको कर्तरी वाच्य से कर्म वाच्य में बदलना है, और कर्तरी वाच्य से भाव वाच्य में बदलने के लिए हम लोग कल सीखेंगे। तो सभी लोग अपनी कॉपी और कलम निकाल लीजिए और लिखिए। पहला है, गिलहरी पेड़ पर रहती है। गिलहरी पेड़ पर रहती है, कर्तरीवाच से कर्मवाच में बदलना है। मेरा भाई पुस्तक पढ़ रहा है। मेरा भाई पुस्तक पढ़ रहा है। बच्चे फल खा रहे हैं। बच्चे फल खा रहे हैं। श्यामा भात पका रही है। श्यामा भात पका रही है। मोहन कहानी पढ़ेगा। मोहन कहानी पढ़ेगा। मेरे पिताजी पटना जाएंगे। मेरे पिताजी पटना जाएंगे। वह हिंदी पढ़ सकता है। वह हिंदी पढ़ सकता है। और अंत में, मेरी माँ खाना बना रही है। मेरी माँ खाना बना रही है। आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर बनाने का प्रयास करेंगे और इसके बाद हम इसकी जांच करके आपको बताएंगे। धन्यवाद।